बोर्ड एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर फुल मार्क्स कब, कैसे और क्यों देते हैं, मैं सारे ट्रिक आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में आप कॉपी में कैसे लिखिए, क्या लिखिए कि आपको आपके बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर अच्छे से मिल सके और जो एग्ज़ामिनर हैं वो आपकी कॉपी देखते ही इतना इम्प्रेस हो जाएं कि वो आपको अच्छे नंबर दे सकें। ठीक है, तो ये वीडियो 2024 में मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो भी क्लास 10th और 12th के लिए, और हर विषय में 15-20 नंबर आपको मैं ज़्यादा दिलवाने वाली हूँ। पूरी गारंटी लेती हूँ कि आप जिस तरीके से मैं बता रही हूँ अगर आप वैसे राइट करेंगे तो आपको आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हम कभी स्कूल नहीं गए हैं, हमें कुछ आता भी नहीं है, हम कोई पढ़े ही नहीं है, मेरे पास ना ही कोई क्वेश्चन बैंक वगैरह कुछ भी नहीं है, तो मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताने वाली हूँ कि आप बिना पढ़े पास कैसे हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो फिर भी आप अपने एग्ज़ाम में किस तरीके से राइट करिए ताकि आपको आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूरे के पूरे नंबर आपको मिले। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये चलता रहता है कि मेरी हैंड राइटिंग ख़राब है इस वजह से मुझे नंबर नहीं मिला, तो मैं आपको बता दूं कि यह आपकी गलत सोच है। यानी कि अगर आपकी हैंड राइटिंग ख़राब है तो भी आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अपनी कॉपी लिखेंगे ताकि आपको नंबर अच्छे से मिल सके, यानी कि इसी हैंड राइटिंग की वजह से आपको आप एक टॉपर जैसा नंबर मिलेगा। बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी मिलते क्या करें, ठीक है, तो मैं आपको बता रही कि बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी मिलते ही आपको क्या करना है, तुरंत आपको लिखना स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल्स बताऊंगी। और नेक्स्ट आता है कि कोई प्रश्न आधा आ रहा है तो क्या करें। ठीक है, यदि आपको प्रश्न एक आ भी रहा है और वो भी आधे आ रहे हैं तो आपको ये नहीं करना है कि उसे छोड़ देना है, उसे आपको पूरा का पूरा राइट करना है ताकि आप जितने लिखा रहे हैं आपको उतना ही नंबर मिले। अगर आप आधे लिखे रहेंगे तो आपको हो सकता है कि अगर दो नंबर मिले तो आपका जब ऐड होगा तो 9 में अगर 2 ऐड हो जाए तो कितना अच्छा है कि आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो एक एक नंबर करके ही बहुत ज़्यादा नंबर आपको मिलते हैं, इसलिए अगर आपको आधा आ रहा है, अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा लिखें तो मैं आपको बेस्ट ट्रिक दे रखी हूँ अपने चैनल पर, वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि अगर आपको इंग्लिश में, मैथ में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको नहीं आ रहे हैं क्वेश्चंस तो आप किस तरीके से क्वेश्चन राइट करेंगे पूरा, वो भी बनाकर ट्रिक से, और एग्जामिनर आपको पूरा नंबर दे सकेंगे, तो उसका भी वीडियो में डाल रखी हूँ, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट बातें आती हैं कि कोई प्रश्न बिल्कुल भी ना याद हो। बहुत सारे बार ऐसे होते हैं कि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है तो आप अपनी एग्ज़ाम कॉपी छोड़ के चले आते हैं, कुछ भी राइट नहीं करते, बट आपको ऐसा नहीं करना है। जो प्रश्न आपको एकदम नहीं आ रहे हैं तो उसका मैं ट्रिक वीडियो दे रखी हूँ, वहाँ पे आप जाकर मेरे चैनल पे देख लीजिएगा। मैं पक्का कह रही हूँ कि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 95% ज़रूर ले आ पाएंगे। ठीक है, इससे कम आपका नंबर नहीं आएगा। नेक्स्ट पे आए तो ज़्यादा पेज लिखने से क्या मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं कि एक ही क्वेश्चन 4-5-6 पेज में लिखते हैं, बट नहीं, उसका एक लिमिट होता है कि 80 वर्ड में, 60 वर्ड में, 50 वर्ड में, 30 वर्ड में ऐसे राइट करने के लिए वहाँ पे खुद दे देता है कि आप केवल इतने ही वर्ड में राइट करिए फिर भी आपको 4 नंबर मिलेंगे। अगर आप 10 पेज में राइट करेंगे फिर भी आपको 4 ही नंबर मिलेंगे, और आप अगर एक पेज में अच्छे से राइट करते हैं फिर भी आपको 4 ही नंबर मिलेंगे। ज़्यादा पेज लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, एक नंबर भी एक्स्ट्रा आपको नहीं मिलते हैं, तो ये आप सोच मत रखा करिए। एग्जामिनर बराबर लाखों कापियाँ, तो फ्रेंड्स मैं आपको पहले ही भी बता चुकी कि जो एग्जामिनर होते हैं उनके ऊपर लाखों कापियाँ चेक करने के लिए होते हैं। ठीक है, तो वो आपकी कॉपी एक एक करके पढ़ते नहीं हैं कि वो एक एक करके पढ़ें और आपको पूरा नंबर पढ़ पढ़ के दें, ऐसा नहीं होता है। एग्जामिनर 2-2, 3-3 मिनट में एक एक कॉपियाँ चेक करते हैं, बस आपकी क्या देखते हैं कि आपकी लिखावट अच्छी है कि नहीं, आपने कॉपी में लिखा क्या है, हैंडराइटिंग अच्छी है या नहीं, इसका ध्यान नहीं देते हैं। बस देखते हैं कि प्रश्नोत्तर संख्या सही है या गलत, कौन से प्रश्न का कौन सा नंबर है, और आपने हेडिंग क्या डाला है, और एक दो लाइन लेंगे आपने लिखा क्या है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा बातें ध्यान देनी होगी।
आपका पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें ध्यान देने वाली क्या होती है कि पेपर की शुरुआत कैसे करें। ठीक है, पहले माइंड में आता है कि पेपर जब मिलेगी तो हम करेंगे क्या। तो मैं आपको बता दूं कि जो पेपर का जो पहला, ठीक है, वो आपको पेपर को केवल 15 मिनट तक ज़रूर पढ़ना है। उस पर आपके पेपर पे राइट किया रहता है कि 15 मिनट आपको पढ़ना अनिवार्य है। यानी कि अगर आपको कुछ इस तरीके से आपकी बोर्ड की कॉपी मिल जाती है तो यहाँ पे पेपर तो यहाँ पे लिखा आपका पूर्णांक दिया रहता है और यहाँ पे 3 घंटे 15 मिनट दिए रहते हैं। जिस यानी कि आपका जो ये 15 मिनट होता है वो आपको केवल पेपर पढ़ने के लिए होता है और ये 3 मिनट आपको राइट करने के लिए होता है आपके क्वेश्चंस के आंसर। ठीक है, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है वरना आपकी कॉपी भी रिजेक्ट हो सकती है। अब सेकेंड पे आते हैं, जो प्रश्न आ रहे हैं सबसे पहले वो करें। यानी कि आपको जो प्रश्न आ रहा है वो आप करें। ठीक, और ध्यान रहे कि कॉपी लिखते टाइम आपको कोई भी कटपिट नहीं करनी है, कॉपी बिल्कुल साफ रखनी है ताकि एग्जामिनर देख के ये पता लगा ले कि स्टूडेंट्स कैसा है और उसे कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे, उसने प्रश्नों के उत्तर वो कैसे दिया है। ठीक है, यही देख के एग्जामिनर आपको ज़्यादातर नंबर देते हैं। अच्छी राइटिंग बिना कटपिट, मैं आपको पहले ही बता चुकी कि आपको अपने जो पेज राइट करने हैं वो बिल्कुल क्लीन हो, 4-5 पेज, ताकि आपको एग्जामिनर देख के अच्छे नंबर दे सके। अच्छी राइटिंग बिना कटपिट, यानी कि अगर आपकी हेड राइटिंग खराब है और अच्छी नहीं है, जैसे कि आपकी बोर्ड की एग्जामिनेशन की कॉपी हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हो गया तो अगर आपकी राइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, मेरी भी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे आपको हेडिंग डाल के देखिए हर एक वर्ड के बीच में एक एक पेन की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे लिखने से आपकी जो राइटिंग है वो बिल्कुल क्लीन दिखाई देगी और देखने में आपकी कॉपी सुंदर भी लगेगी। ठीक है, तो आपको इस तरीके से अपनी कॉपी राइट करनी है ताकि एक पेन की दूरी पर की कॉपी आपका साफ दिखे। ठीक है, और कहीं भी आपको कटपिट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पे आए तो सबसे लास्ट आता है कि जो प्रश्न करें प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डालें। ठीक है, एग्जामिनर एग्जाम में देखते हैं कि आपका जो प्रश्न है वो कौन से नंबर का है और वो क्या है। ठीक है, इसलिए आप प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डालिएगा और कौन से खंड का है वो भी सबसे ऊपर जरूर राइट कर दीजिएगा। ठीक है, ये नहीं कि आप हर पेज पे राइट करें खंड क खंड ख गंड खंड अ। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, बस केवल फर्स्ट पे अगर आप खंड अ करना चाहते हैं तो खंड अ करिए, ब करना चाहते हैं तो ब करिए, स करना चाहते हैं तो स करिए। ठीक है, बट अगर आप खंड अ क कर रहे हैं तो उसका आपको जितने भी क्वेश्चन आते हो इसके अंतर्गत 5, 6, 2, 3 तो आपको पूरा कर लेना है खंड क में, फिर आपको खंड ख का स्टार्टिंग करना है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है कि जो प्रश्न करे प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डालें। जैसे कि आपका ये बोर्ड की एग्जाम की कॉपी हो जाती है, ठीक, तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको जीवन परिचय राइट करना है, ठीक, तो आप यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या का मतलब कि प्रश्न नंबर 5 का उत्तर, तो आपको भी इसी तरीके से राइट करके नीचे डबल लाइनिंग कर देनी है, फिर नीचे लिखना है वासुदेव शरण अग्रवाल, जिनका भी आपको नेम राइट करना हो, जिनका भी जीवनी राइट करना हो, आप इस तरीके से लिख दीजिएगा, फिर यहाँ पे लाइनिंग दे दीजिएगा ताकि ये देखने में सुंदर लगे, और फिर यहाँ पे लिखिएगा जीवन परिचय, यानी जिसका लिखना हो उसका पूरा नाम लिख के फिर लिखेंगे कि आखिर इनके बारे में आप लिखना क्या चाहते हैं। अगर आप इस तरीके से राइट करते हैं तो आपको आपके बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं अच्छे नंबर। जिस तरीके से अगर ऐसे ही टॉपर अपनी कॉपियों को लिखते हैं और वो अच्छे नंबर ले लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से आपको भी राइट करना है इस बार 2024 में और आपको भी बेस्ट नंबर लाने हैं। फिर सेकेंड बातें आती हैं कि बोर्ड एग्जाम कॉपी मिलने के बाद क्या करें, अगर हमें कॉपी मिल जाती है बोर्ड एग्जाम में तो हमें करना क्या है। रोल नंबर, सब्जेक्ट, पेपर कोड, सिग्नेचर, ठीक है, यानी कि सिग्नेचर आप एग्जाम जब देने जाएंगे तो आपको 2-3 बार राइट कर सिग्नेचर साइन करने के लिए आएगा, वो आप बिल्कुल मत भूलिएगा वरना वहाँ पे आपको अब्सेंट दिखा जाएगा, आप पूरे
एग्ज़ाम दिए रहेंगे फिर भी आपको अब्सेंट कर दिया जाएगा और आपकी जितने भी आप एग्ज़ाम दिए रहेंगे सारे के सारे निरस्त हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको फेल कर दिया जाएगा और आप फिर से नेक्स्ट बार अपनी फिर उसी बोर्ड एग्ज़ाम में आप शामिल होंगे। तो ऐसा आपको गलती नहीं करना है। आप जब भी बोर्ड एग्ज़ाम जाइए एग्ज़ाम देने तो आपको सिग्नेचर ज़रूर करना है, छूटे ना। अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको कुछ इस तरीके से आपकी कॉपियां मिलेंगी तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, अनुक्रमांक, ये आप भर लीजिएगा। नाम, कक्षा, दिनांक, वर्ग, दिन, विषय कौन सा है, ये नहीं कि आज गणित है तो अंग्रेजी डाल दे, अंग्रेजी है तो सामाजिक विज्ञान डाल दे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जो विषय रहे वही आपको राइट करना है और पेपर का कोड, ठीक है, वो ज़रूर डाल दीजिएगा और साइन ज़रूर कर दीजिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है अगर कॉपी मिलती है तब, इतना हमें तुरंत ही कर लेना है। नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। सभी प्रश्नों के उत्तर ज़रूर लिखें। अगर आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, फिर भी आपको एक भी आपके क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, आपको पूरा लिखना है। यानी कि अगर आप अच्छे से अगर प्रश्नोत्तर संख्या डाल के हेड लाइट, यानी कि अगर आप पूरा हेडिंग डाल के अगर आप अच्छे से राइट करते हैं तो आपको अगर कुछ भी नहीं लिखे हैं फिर भी आपको एक दो नंबर तीन नंबर आसानी से मिल ही सकता है, ठीक। इसलिए आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं। और ज़्यादा पेज लिखने से क्या ज़्यादा मार्क्स यानी नंबर मिलते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वर्ड दिया रहता है कि आपको अगर 80 वर्ड में राइट करना है तो आपको 80 ही लिखना है, 60 वर्ड में तो 60 ही वर्ड आपको लिखना है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 5-6-7 पेज लिखें तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रश्न हल करने के बाद थोड़ा गैप जरूर छोड़ दें, ठीक है। अगर आप जो प्रश्न हल कर रहे हैं, ठीक है, वो अगर हल हो जाता है तो आपकी कॉपी का पेज अगर भर जाता है तो उसे आप छोड़ के आप नेक्स्ट पेज पे लिखना स्टार्ट करिए, जिससे ये लगे कि हाँ ये आपने दूसरा क्वेश्चन राइट करना स्टार्ट किया है, ठीक है, जिससे एग्जामिनर भी अच्छे नंबर आपको देते हैं। अब नेक्स्ट पे आए तो सबसे इम्पोर्टेंट बातें क्या होती है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो करते क्या हैं कि कॉपी में पैसे, इमोशनल बात, तो क्या एग्जामिनर नंबर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कॉपी में आपको पैसे बिल्कुल नहीं रखना है, चाहे 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये या फिर 1,000,000, जितना भी आपके पास हो, 1 रुपये भी आपको आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में नहीं लिखना है, ठीक है। ऐसा क्या होता है कि जो एग्ज़ामिनर होते हैं वो आपकी कॉपी पूरी ऑनलाइन करके पूरे वर्ड में दिखा देते हैं कि आपने आपके नाम से निकाल के कॉपी दिखा देंगे कि कौन कॉपी रखा है पैसा, ठीक है, कॉपी में। तो ऐसा आपको नहीं करना है वरना आप पूरे वर्ड में छा जाओगे कि आपने पैसे रखे हैं नंबर पाने के लिए। और जो इमोशनल बातें हैं होती हैं, जो कसम खाते हैं लोग, गालियाँ देते हैं, और जैसे कि मेरी माँ मर गई, बहन मर गई, तो ऐसा आपको नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं राइट करना है। इमोशनल बातें, पैसा, कॉपी, ये सब बिल्कुल मत कीजिएगा वरना आपकी कॉपी निरस्त कर दी जाएगी। जितना मेहनत करिए, जितना मेहनत करेंगे आप, आपको एग्ज़ाम में उतना ही नंबर मिलेगा, उससे ज़्यादा कुछ भी लिखने से कुछ भी नंबर मिलने वाला नहीं है। और आपके जो पैसे हैं वो आपको कभी इमरजेंसी में काम आ जाएंगे और कॉपी में रखने से एक नंबर भी बढ़ने वाला आपका नहीं है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, सबसे लास्ट होता है कि बचे समय में बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कैसे किया जाए। यानी कि अभी तक आप अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं और अगर आप पढ़ना भी चाहते हैं अच्छे तरीके से, तो याद रहे कि आपके पास बहुत कम टाइम है और कम टाइम में आपको अच्छे नंबर लाने हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर आपका टारगेट 95% है, 99% का है, तो आज से ही आप स्टार्ट कर दीजिए एग्ज़ाम की तैयारी करना। 100% स्टडी पर ध्यान दो, ठीक है। अगर आप फ़ोन का यूज़ ज़्यादा करते हैं तो फ़ोन का इस्तेमाल करना कम कर दीजिए, ठीक है। केवल 2-3 महीने 4 महीने पढ़ाई कर लीजिए, जिससे आपको आपकी स्टडी पूरी हो जाए और आपको अच्छे नंबर मिले। सभी सब्जेक्ट को पढ़ें, ठीक है। सबसे अच्छा लगता है हिंदी पढ़ने में, बट आप ऐसा मत करिएगा कि केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़िए, सारे सब्जेक्ट को पढ़िए और सारे सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक। आप पूरी कॉपी पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, वरनी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको पढ़िए। मॉडल पेपर जो आपका है उसे आप ज़रूर सॉल्व करिए। डेली के डेली अनेकों प्रकार के जो मॉडल पेपर आते हैं उसे आप ज़रूर
सॉल्व करें। इससे क्या होता है कि आपके लिखने का प्रैक्टिस भी बढ़ेगा और आप जल्दी फास्ट लिख भी पाएंगे और आपके क्वेश्चन भी तैयार होंगे और आपको कम पढ़ना पड़ेगा। मेन पॉइंट जरूर पढ़ें, ठीक है। यानी कि एक एक पेज, दो दो पेज के जो स्टोरीज होती हैं उसका आप केवल एक हेडिंग भी पढ़ लेंगे तो आप बना बना के क्वेश्चन राइट कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ध्यान क्या देना है कि अब केवल आपका प्रश्नोत्तर संख्या सही होना चाहिए और जो आप राइट कर रहे हैं वो सही होना चाहिए, ठीक है। और कॉपी बिल्कुल साफ हो, तो यही सब देख के एग्जामिनर आपको आपके एग्जाम में पास कर देते हैं। और आप बार बार सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम में 95% 98% 99% ले आते हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप भी मेहनत करेंगे तो आपको भी अच्छे नंबर मिल सकते हैं। ये ही नहीं कि ये केवल ओनली टॉपर ही ला सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप भी 3-4 महीने की पूरी मेहनत करके आप नंबर ले आ पाएंगे।